हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुला पॉइंट। आज मैं क्लास इलेवेंथ में मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस करवाऊंगी। उससे पहले वेन डायग्राम्स क्या होते हैं इसके बारे में बताया जाएगा, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सारा एक्सप्लेन से मैं आपको समझाऊंगी कि डिफरेंस ऑफ सेट ये सब क्या होते हैं। प्लस में ये सारे क्वेश्चन जो हैं, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे इसके सॉल्व करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, एक एक पार्ट को अच्छी तरीके से बताया जाएगा आपको। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको और नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए वेन डायग्राम के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले वेन डायग्राम होता क्या है, नई क्लास में नया टॉपिक है वेन डायग्राम, ठीक है। इसको आपको जो सेट है, सेट को आप सर्कल के रूप में जब रिप्रेजेंट कर पाते हैं, सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो ये वेन डायग्राम के अंदर आता है। चलिए हम समझते हैं कैसे। मान लीजिए कोई सेट है ये ए, और इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स, ब्रह्मांड जानते हैं, जो अपने आप में सबको संभाले, यानी कि जितने भी सेट हैं इसके अंदर ही आएंगे और सेट के अंदर एलिमेंट हैं वो भी इसके अंदर आएंगे। सेट में एलिमेंट हों चाहे ना हो, सारे यूनिवर्सल सेट में जरूर आएंगे। यूनिवर्सल सेट मतलब सेट ऑफ ऑल सेट। तो वेन डायग्राम आप देख रहे हो सर्कुलर डायग्राम है, बाई कई बार ये भी नहीं हो सकता, विदाउट उसके भी होता है, तो इसका मतलब है कि सारे एलिमेंट सेट के अंदर होंगे। तो ये है सेट, नाम दे देते हैं इसका हम ए। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट आएंगे, बट जो सेट ए है उसमें सिर्फ तीन ही एलिमेंट है, 1, 2, 3। यानी सर्कुलर एरिया में जो एलिमेंट आते हैं वो सारे के सारे इसमें सेट में आएंगे। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है वेन डायग्राम को। हो सकता है दो सेट हों तो दो सेट बना दिए जाएंगे, इस तरह से भी हो सकता है कि ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और इसमें आपको दो सेट दे दिए ए और बी। और जरूरी नहीं है कि ये ज्वाइन करें, ज्वाइन कर रहे हैं तो ये आपका बीच में, इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों में जो कॉमन है। इंटरसेक्शन को मैं आपको पिछली क्लास से, पिछली जो कक्षाएं आपने पढ़ी हैं उनमें आपने पढ़ा होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इंटरसेक्शन मतलब वही होता है कि दोनों में कॉमन क्या है, तो इसको डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये सिंबल है इंटरसेक्शन का, ठीक है। और ये सारा का सारा एरिया ये यूनियन कहलाएगा। यूनियन मतलब एलसीएम, यानी जो ए में भी है और बी में भी है, इसके बारे में भी और हम पढ़ते हैं। तो ये सारा का सारा एरिया जो है, ये एरिया इंटरसेक्शन को मिला के इसको बोलते हैं हम ए यूनियन बी। सिंबल ये है, यू जैसा सिंबल है ना, दिस इज यूनिवर्सल सेट और दिस इज सिंबल, दोनों में डिफरेंस है। ये सेट है, ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट ए बी सी डी वाला यू है ये कैपिटल लेटर में, और ये सिंबल है। तो इतना क्लियर हो गया वेन डायग्राम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस मतलब कि जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन दो हैं आपके पास ऑपरेशंस ऑन सेट्स, दो तरह से सेट पे आप ऑपरेशन कर सकते हैं। जिस तरह से हम पिछली कक्षाओं में एडिशन सीखते हैं, ऑपरेशन मतलब यही होता है ना, जो सिंबल है, यानी 2 + 3 में आप क्या अप्लाई कर रहे हो, ये ऑपरेशन है, यानी कि आपने इसको प्लस किया तभी तो 5 आया, तो दिस इज ऑपरेशन। 3 - 2 यानी ये जो है आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो, कैसे आप सीख रहे हो। तो जिस तरह से हमने छोटी क्लास में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये सब हमने सिंबल लगा के सवालों के किए हैं, उसी प्रकार से अब 11 क्लास में सेट चैप्टर में हम ऑपरेशंस ऑफ सेट पढ़ेंगे कि ऑपरेशंस इन सेट। दो टाइप है आपके पास, अभी मैंने बताया यूनियन, ठीक है, ऑफ सेट्स जिसको यू यू ये सिंबल है। यूनियन मीन्स, यूनियन मीन्स होता है एलसीएम, इसका आप एलसीएम से रिलेट कर सकते हैं, यानी ए और बी जो भी दो सेट या तीन सेट है उनके सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। जो कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा, जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखा जाएगा। और दूसरा होगा इंटर सेक्शंस ऑफ सेट्स, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन का ये सिंबल है उल्टा दिख रहा है, इसको आप HCF से, HCF जैसा है जैसे HCF निकालते हैं, यानी जो सिर्फ कॉमन है,
ओनली कॉमन चीजों को इसमें लिखा जाएगा। अब अगर इसका वेन डायग्राम ही बनाना है, मान लीजिए वेन डायग्राम बनाना है, तो ये ए सेट है और ये बी सेट है, ए सेट बी सेट, ठीक। तो ये सारा का सारा एरिया, ये जितना एरिया इसको मिला के, ये सारा का सारा एरिया ये कहलाएगा, इसको आप चाहे इस तरह शेडो कर लो चाहे डॉट करके, इसको हम बोलेंगे ए यूनियन बी, ठीक। और ये एरिया जो है, ये वाला एरिया है, ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी, अगर सेट के नाम है ए और बी, ठीक। थ्योरेटिकली आपको लिखना है, अगर सेट फॉर्म में लिखना है तो ए यूनियन बी, बहुत ध्यान से देखना, ए यूनियन बी का मतलब होता है, यहां लिख देते हैं, ए यूनियन बी का मतलब है कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग करेगा या तो ए में बिलोंग, यानी वो या तो ए का एलिमेंट है या बी का है, दोनों का भी हो सकता है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक। ये सिंबल है, ये आपका जो इसका आएगा, आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, अगले एक्सरसाइज में भी आएगा, मिसलेनियस में भी है, तो ध्यान रहे। तो ए यूनियन बी का मतलब यह है कि कोई भी एलिमेंट या तो वो ए में होगा या बी में होगा, दोनों में भी हो सकता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ये तो वेन डायग्राम है और ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, आप देखिए किस तरह से है। तो ए यूनियन बी का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट एक्स मान लिया हमने, सच दैट वो दोनों में होना जरूरी है, एक्स बिलोंग, दोनों का मतलब होता है एंड, और मीन्स होता है या इसमें या इसमें, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यही मतलब हुआ ना, कि वह तो ए में बिलोंग करेगा और बी में करेगा, इसका मतलब ए और बी दोनों में कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रहे, इंटरसेक्शन में एंड आएगा, ए एंड डी, ठीक है, और इसमें आएगा और ओ आर, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हो आप लोग। एग्जाम्पल क्या है कि एक हम सेट ले लेते हैं ए, वन टू थ्री, ठीक, बी ले लेते हैं थ्री फोर फाइव। अब इसको हम वेन डायग्राम के द्वारा अगर हमें बनाना है, बड़े आराम से हम बना सकते हैं। अगर ए यूनियन बी हमें पता लगाना है, पहले ए यूनियन बी का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन है या नहीं है, सारे मिला के हमें लिखने हैं। तो देखिए वन है, टू है, थ्री दोनों में कॉमन है, उसे एक ही बार लिखेंगे, फोर फाइव, ठीक। और इसको अगर हमें डायग्राम बनाना है तो ये ऐसे बनेगा, इसमें क्या है, जो कॉमन है उसको तो यहाँ लिखेंगे, और वन और टू कहीं भी लिख सकते हैं, एक का, बी का क्या है, थ्री फोर फाइव, तो थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, क्लियर हो गया, ठीक। नाउ अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी दोनों में जो कॉमन है, कौन सा एलिमेंट कॉमन है, थ्री कॉमन है ओनली, तो थ्री आ जाएगा। और अगर हमें वेन डायग्राम बनाना है तो ये वेन डायग्राम बना, इसको हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन में तो ये सारा आ गया, ठीक है, ए यूनियन बी, और इंटरसेक्शन में सिर्फ ये है, इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर हो रहा है। चलिए प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं यूनियंस की और इंटरसेक्शन की, सारी प्रॉपर्टीज को एक एक करके पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन बहुत ध्यान से देखना है, इन सबको समझते हुए जब आपने ये समझ लिया तो 1.4 क्या कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन क्या है, पहला है, जैसे हमने पढ़ा है कि 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2 होता है, कौन सी प्रॉपर्टी थी वो, कम्यूटेटिव, रिमेंबर, ठीक। वैसे ही ए यूनियन बी इक्वल टू होगा बी यूनियन ए, यानी इसका यूनियन हो चाहे उल्टा करके सेट का यूनियन है, दोनों का यूनियन सेम आएगा, और इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड में हमने पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ, याद होगा आपको कि 2 प्लस 3 ब्रैकेट में है प्लस में 4 इक्वल टू 2 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 4, आंसर सेम आएगा, तो उसको हम कहते थे एसोसिएटिव लॉ, छोटी क्लासों का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक। उसी प्रकार से अगर तीन सेट है तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, क्लियर हुआ। क्या नाम है इस प्रॉपर्टी का, एसोसिएटिव लॉ, ठीक। ए यूनियन नल सेट जो है क्या होगा,
भाई ए है एक सेट और उसमें कोई भी सेट, फाइव सेट को हमने यूनियन ले लिया तो ए ही आएगा ना। ठीक, जैसे वन में जीरो जो ऐड करो या जीरो में वन ऐड करो, आना तो वन ही है, तो वो कौन सा लॉ होता था? आइडेंटिटी लॉ होता था, आइडेंटिटी लॉ। ठीक, रिमेंबर एग्जाम्पल हम लास्ट से लेके चल रहे हैं पिछली कक्षाओं से ही। अब ए यूनियन ए किसी सेट का खुद के साथ यूनियन तो वही आएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे अब ए है 1 2 3, तो अगला ए भी यही होगा, तो ए यूनियन ए क्या आएगा? यही आएगा 1 2 3, तो ए यूनियन तो ए ही आ गया ना। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल आप लोग ना समझ में आता तो एग्जाम्पल भी साथ में ले लेके चल सकते हैं हम लोग। लास्ट, यूनिवर्सल सेट है अगर और उसका यूनियन ए के साथ होगा तो यूनिवर्सल ही आएगा। यूनिवर्सल तो बड़ा है, सब सारे सेटों का सेट है, तो ए इसी का पार्ट है, तो नेचुरल है इन दोनों का यूनियन बड़ा वाला ही आएगा। ठीक, और इस लॉ को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। क्लियर हुआ? ठीक, नोट करने वाली बात यह है कि मान लीजिए ए और बी दो सेट हैं, इनका इंटरसेक्शन अगर फाई है यानी नल है, यानी वेन डायग्राम से मैं बना के दिखाती हूँ, एक सेट यहाँ है एक यहाँ है, ये यूनिवर्सल सेट है यू, ये ए है ये बी है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है ना, जरूरत हो ना कि एक दूसरे को काटे, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है यानी फाई कॉमन है, यानी इनका इंटरसेक्शन फाई है, तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे? ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। हो सकता है ए में कोई और 1 2 3 एलिमेंट हो और बी में है 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि एच सी एफ आपका फाइव आ गया ना, एच सी एफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं आया तो फाइव। ठीक है, सेट्स के अंदर फाइव बोलते हैं, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइव है तो ए और बी डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट आगे हम करते हैं, एक एक स्टेप को हम कराते जा रहे हैं, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, बिल्कुल इसी से रिलेट करते हुए, जैसे हमने यूनियन किया है वैसे ही हम इंटरसेक्शन को करेंगे। तो पहला, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, इंटरसेक्शन आप ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, दोनों तरीके से सेम आने वाला है, वही है कम्यूटेटिव लॉ। लॉ वही चल रहा है सेम तरीके से। आगे बढ़ते हैं, कम्यूटेटिव लॉ शॉर्टकट लिख दे रही हूँ। एंड सेकंड है एसोसिएटिव लॉ, ना ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये है कि पहले आपने ए और बी का इंटरसेक्शन निकाला और उसके बाद सी के साथ निकाला। ठीक है, तो बात तो वही आएगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव लॉ। ठीक, थर्ड है फाई इंटरसेक्शन ए, और फाई का इंटरसेक्शन फाई ही होगा क्योंकि दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है। ठीक है, या यूनियन के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हो ए का, दोनों में जो छोटा है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, या तो दोनों में कॉमन हो या इन दोनों में छोटा कौन सा होगा, ये छोटा है ना, इन दोनों में कौन छोटा है, ये छोटा है क्योंकि इसके अंदर का ही पार्ट है, ये इसके अंदर का ही पार्ट है, तो जो छोटा है वो इंटरसेक्शन है और यूनियन में जो बड़ा है, अगर सेम पार्ट उसी का सबसेट है तो, क्योंकि ए इसका सबसेट है नेचुरली, ये इसका सबसेट है इसी के अंदर का है, तो ए यूनियन यूनिवर्सल और ए का इंटरसेक्शन ए ही कहलाएगा। क्लियर हुआ? और किसी सेट का अपने साथ ही इंटरसेक्शन ए कहलाता है। ठीक, ए इंटरसेक्शन ए या बी इंटरसेक्शन बी, कोई भी सेट है खुद के साथ इंटरसेक्शन हो जाता है, आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ फाई, पता ही है आपको सारे, आइडेंटिटी लॉ जो आया था। और नेक्स्ट लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आप देख लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ध्यान से देखना है, ये इंपॉर्टेंट हो गया एक तरह से, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो उस पर। तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, ये सिंबल आएगा, फिर यूनियन ये वाला सिंबल आया ए इंटरसेक्शन सी, यानी इसको इसके साथ लिया और फिर यूनियन इसको इसके साथ लिया गया, इसको लॉ का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या नाम है? डिस्ट्रीब्यूटिव
लो। क्लियर है? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला टॉपिक क्या है? बुक में देखिए मैंने सीरियल वाइज पेज आपको बता दिए हैं, उन्हीं पेज से मैं करा रही हूँ। बार बार बुक्स को सामने लाएंगे तो अभी टाइम ही ज्यादा लगेगा। नाउ डिफरेंस ऑफ सेट करते हैं हम लोग। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ए माइनस बी या बी माइनस ए। ए माइनस बी, इसका मतलब ये होता है कि एलिमेंट इन ए बट नॉट इन बी। ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है तो ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट कोई भी एलिमेंट ए में है, यानी ए को बिलोंग कर रहा है एंड वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी बी में नहीं आता। बिलोंग का मतलब तो ये होता है ना, उसमें नहीं आता। इसका डायग्राम आप देखिए, ए माइनस बी, एक ये सेट हो गया ए और ये है बी, ठीक है। एलिमेंट ए में है बट बी में नहीं है। देखिए ये पूरा बी वाला तो आएगा ही नहीं, तो बचा क्या? ये बच गया, दिख रहा होगा, क्लियर। तो दिस इज ए माइनस बी, यानी वो सारे एलिमेंट जहां यहां पे होंगे वो ए में तो हैं बट बी में नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? नाउ पी माइनस ए का मतलब यही है कि कोई भी एलिमेंट, ठीक, इन बी बट नॉट इन ए। अब इसको बनाएंगे कैसे? एक्स मान ली, कोई एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स नॉट इन ए है ना, तो डज नॉट बिलोंग टू क्या? ए, ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो यानी बी में है लेकिन ए में नहीं है। चलिए इसी डायग्राम में देख लेते हैं कि ये ए वाला तो आएगा ही नहीं ना, बी में है लेकिन ए में नहीं है, यानी ओनली बी जिसे बोल सकते हैं, और इसका मतलब है ओनली ए। ओनली बी कौन सा है आपका? ये है ओनली बी, यानी बी में तो है एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट बी में तो है, बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो इसको बी माइनस ए बोलेंगे या ओनली बी भी बोल सकते, सिर्फ बी में हो, इसका मतलब है ओनली ए। क्लियर हुआ? तो वेन डायग्राम अगर हम देखें, इसी को अगर वेन डायग्राम को और अच्छे से देखें तो ये हमारा है ए इंटरसेक्शन बी, है कि नहीं? ए इंटरसेक्शन बी। अब हम तीन चीज देख रहे हैं, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, तीनों डिसजॉइंट हैं कि नहीं? डिसजॉइंट समझ गए ना, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात आई कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर डिसजॉइंट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। सेट्स तो हैं, डिसजॉइंट मतलब कि इसका और इसका इंटरसेक्शन फाई है, इसका इंटरसेक्शन फाई है, इनका इंटरसेक्शन फाई है। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि ए माइनस बी, ये इकट्ठे लिखेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसका और इसका इंटरसेक्शन फाई है। ऐसे सिमिलरली दिस इंटरसेक्शन दिस फाई है, या इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है। क्लियर हो रहा है? डिसजॉइंट मींस होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमने तीन मेन बातें पढ़ी है डायग्राम के साथ, कौन कौन सी? पहली यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और तीसरी हमने पढ़ी है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तीनों क्लियर हो गया होगा? अब हम 1.4 करते हैं। 1.4 में क्या लिखा है कि फाइंड यूनियन ऑफ पेयर ऑफ सेट्स। यूनियन निकालना है, एक्स और वाई दे रखा है, बुक में आप लोग देख सकते हैं दो सेट दिए हुए हैं। तो एक्सरसाइज 1.4, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.4 पहला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है, एक सेट है उसमें तीन एलिमेंट है 1, 3, 5। दूसरा सेट है वाई, उसमें भी तीन एलिमेंट हैं 1, 2, 3, ठीक है। हमें निकालना है यूनियन, यानी एक्स यूनियन वाई,
एक्स यूनियन वाई क्या आएगा बताइए, जो सब में सारा का सारा आ जाएगा, यानी जो कॉमन है यानी वन टू थ्री, वन कॉमन है थ्री कॉमन है, एक एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लेंगे, तो वन टू थ्री फाइव ये यूनियन बन गया। अब इसी में अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछा होगा ठीक है किसी ने किसी पार्ट में, कौन से पार्ट में पूछा हुआ है क्वेश्चन, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा हुआ है इंटरसेक्शन बताओ, तो हम वन और फिफ्थ दोनों इकट्ठे कर लेते हैं ठीक है, क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन फिफ्थ एक साथ कर लेते हैं ठीक। तो अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो एक्स इंटरसेक्शन वाई यानी दोनों में कॉमन क्या है, वन कॉमन है और थ्री कॉमन है, तो वन थ्री क्लियर है। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है ए है ए ई आई ओ यू और बी एक सेट है ए बी सी, हमें इसका निकालना है यूनियन, ए यूनियन बी जो कॉमन है उसे एक बार लिखिए ए बी सी ई आई ओ यू यही बनेगा ठीक है। अब इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन क्या है, ए कॉमन है बस और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ई है और कुछ कॉमन है, दोनों में ए के अलावा कुछ कॉमन नहीं है तो एक ही एलिमेंट कॉमन है ए, ये हमने कर लिया। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि थर्ड पार्ट दिया हुआ है कि ए सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री और बी है एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, तो अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो हम ऐसे ही लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये तो है ही, लेस देन सिक्स हो या ग्रेटर देन सिक्स हो, एंड क्या है मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ थ्री भी है, मल्टीपल ऑफ थ्री ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया, नहीं एंड नहीं और आना चाहिए, यूनियन है ना क्योंकि और आएगा, यानी नेचुरल नंबर भी हो सकता है और वो मल्टीपल ऑफ थ्री भी हो सकता है। यूनियन में हमेशा याद रखें कि और का ऑप्शन होता है और लिखा जाता है और इंटरसेक्शन में एंड लिखा जाता है। अब ए इंटरसेक्शन बी ही निकालना है इसमें तो क्या आएगा, क्या कॉमन है ध्यान से देखना, पहला दूसरे वाले सेट पे ध्यान देना, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड लेस देन सिक्स, लेस देन सिक्स, लेस देन सिक्स कौन कौन से होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, तो नेचुरल है कि ए इंटरसेक्शन बी मल्टीपल ऑफ थ्री भी होना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ थ्री और सिक्स से कम तो एक ही संख्या है ना वो है थ्री, कि ये मल्टीपल ऑफ थ्री भी है और ये नेचुरल नंबर भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपका थ्री, क्लियर हो गया। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला ओरल है, बता देते हैं कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो है ही और एक से लेकर छः तक है, छः इंक्लूड है इसमें, नेक्स्ट एक्स इज नेचुरल नंबर छः से लेकर दस तक है, तो यूनियन क्या बनेगा एक से लेकर दस तक, दस इंक्लूड नहीं है ध्यान रहे क्योंकि इसमें इक्वल का सिंबल नहीं है और नेचुरल नंबर है ठीक है। और अगर हमें इसका इंटरसेक्शन बनाना है तो बताइए क्या होगा, भाई पहले वाले में बोला है छः तक या दूसरे वाले में बोला छः से ज़्यादा है, छः भी इंक्लूड नहीं है दूसरे वाले में तो क्योंकि इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइव आएगा, क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। नाउ क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दो करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर दो में थोड़ा सा आसानी है, बस थोड़ा सा आपको एक नई चीज और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर दो। तो क्वेश्चन नंबर एक और पांच हमारा हो गया इस तरह से, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर दो, एक सेट दिया हुआ ए, उसमें एलिमेंट है ए और बी ठीक है, नेक्स्ट सेट है बी, एलिमेंट है ए बी सी, अब हमें बताना है ए यूनियन बी निकालना है। सबसे पहले बताना है क्या ए सबसेट है बी का, तो सबसेट के लिए देखिए हर एलिमेंट इसके अंदर है, तो यस ए इज सबसेट ऑफ बी, पहले हम करा चुके हैं ना, सबसेट का मतलब ये होता है कि इसका हर एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तो ए का ए भी है बी भी है, सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए बी सी यही आ गया, और हम देख रहे हैं कि ए बी सी बी है सेम है ना, तो यानी इसी हमें एक बात समझ में आती है कि कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है तो दोनों का यूनियन बड़ा वाला होगा, दोनों का यूनियन बड़ा वाला होगा।
अगर इंटरसेक्शन पूछते तो बताइए, एक्स्ट्रा कर लेते हैं, इंटरसेक्शन पूछते तो दोनों में कॉमन है ए और बी, यानी कि ए, ठीक है। तो अगर इंटरसेक्शन पूछेंगे तो छोटा वाला सेट, और अगर यूनियन पूछेंगे तो बड़ा वाला सेट। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन फोर आप कर पाएंगे, क्वेश्चन फाइव हो ही गया। क्वेश्चन सिक्स से लेकर ट्वेल्व तक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी, और आप बल्कि क्वेश्चन सिक्स जो है, क्वेश्चन सिक्स के जो आंसर के जितने भी पार्ट हैं, कोई भी एक पार्ट का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना, या सारे पार्ट के आंसर आप बताना, या प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप लोग बताना मुझे। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, और तब तक के लिए गुड बाय।